पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। काम हो गया। खबर पक्की है क्या? बिल्कुल, फ्लाइट का टाइम हो गया है, वो आने ही वाले होंगे। ठीक है, सब ठीक हो गया। सबसे फ्लाइट टाइम पे होनी चाहिए। गिव मी द बिल। विश्वास का खून कर डाला, जयचंदवा के साथ हाथ मिला के हमारा हाथ काट डालने का सोचा। अरे हम जानता है बेवकूफ, हर आदमी को बड़ा बनने का इच्छा होता है, मगर बड़ा बनने के लिए अपना से छोटा के सर पर पैर रखकर चढ़ना चाहिए। अपना से बड़ा के सर पर पैर रखकर चढ़ने वाला गिर जाता है। गिर गया ना तू? तुम और जयचंदवा का समझे थे हमारा पैसा लेके विदेश भाग जाओगे? अरे हम जो इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तो कैसे करते होंगे? हर काम करने से पहले अपने ज्योतिषी से पूछ लेते हैं कि धंधा में हमको नुकसान तो नहीं है ना, और वैसे भी हमारा पैसा तो कोई खा ही नहीं सकता। पैसा रेखा है हमारे हाथ में, रेखा है भाई, देखो यहाँ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो साले जी? वृक्ष तुम्हारा पुराना साथी है, दोस्त है, और उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो? प्यार से पूछो, सब कुछ बता देगा ये। बिरजू बेटा, सब कुछ बता देने। सब कुछ प्यार सा काली बाबू कमाल मेरे पास नहीं, उस हरामखोर जयचंद के पास है। सीधा सीधा जबान खोल कुत्ता, नहीं तो तू जानता है यहाँ गुंगा भी बोलने लगता है। साले जी, साले जी, तुमने खुद ही तो अपने आदमियों को ये सिखाया है कि अगर पकड़े जाओ तो मर जाना, मगर जबान नहीं खोलना, और तुम खुद ये भूल रहे हो। अरे साले जी, इस बात पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। जीजा, हट हट का। साले जी, ये तो अटका। छाछ पियो इंस्पेक्टर, छाछ हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, जो देखा है हजम हो जाएगा। छोटे साले जी, अरे मैं तो तुम्हें बड़े साले जी के सामने डांट भी नहीं सकता ना, लाडले जो हो इनके। अरे जीजा जी, यही तो एक हमरा है इस दुनिया में जिसको हम डांट कर सकता है। जाने का सब तैयारी हो गया? हाँ भैया। तू चला जाएगा तो हमरा दिल नहीं लगेगा रे, तेरा बहुत याद आएगा। अरे भैया, हम विदेश थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ पास ही में तो जा रहे हैं, और फिर डेढ़ दो ही महीने की तो बात है, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? हाँ भैया। अच्छा मुन्ना जा, ये ले रख। ये, अरे भैया, इतने रुपए हम कहाँ करेंगे? हाँ अरे रख ले, इसका गर्मी जिम में रहता है ना तो लोग साला नरमी से बात करता है। और वैसे भी किसकी हिम्मत है काली बाबू कि आपके छोटे भाई के साथ गर्मी से बात करे। जा मुन्ना। अच्छा भैया, चलता हूँ।
और सुन मुन्ना। हाँ भैया। पुनुआ पे हमको बराबर खबर देते रहना। ठीक है भैया। और छोटे साले जी, जो ज्ञान की बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, अपने पल्ले बांध लो तुम। बहुत प्यारे। काले बाबू। ओ काले बाबू, ये आपके छोटे भाई जा कहाँ रहे? अरे बताया ना, मौज मस्ती करने। अभी से हमारे साथ बिजनेस में आ जाएगा ना, तो जवानी ठीक तरह से खिल नहीं पाएगा उसका। तो हम सोचा थोड़े दिन और अपने कॉलेज के छोकरों के साथ खेल ले। वो कुछ कैंप वैम्प होता ना, हो ही गया। एनसीसी कैंप। बाहर निकल, ग्राउंड में जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। बाहर आ जा मेरे दोस्त। अरे यार सत्या, तू तो एकदम तैयार। ये पढ़। ये क्या है? ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कायदे कानून की लिस्ट है। यहाँ का जो मेजर है ना, वो इंसान नहीं जल्लाद है। हमने तो पढ़ लिया, तू भी पढ़ ले। अबे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और वैसे भी मेरी हिंदी बहुत कमजोर है यार। ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है, और अंग्रेजी तो इनके सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। टोटल 113 कायदे कानून की लिस्ट बना रखी है उस मेजर ने, नहाने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी कायदे कानून लागू कर रखे उस साले ने। और कायदे कानून भी ऐसे कि इंसान लाख कोशिश कर ले कायदा टूटे टूटे। अब तू जल्दी से नहा ले, वरना तुझसे उद्घाटन हो जाएगा। चल पकड़, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ मेरे दोस्त। चल चल। क्यों भाई, क्या बात है? बात कुछ नहीं है मुन्ना, पहले अंदर मैं जाऊंगा। पहले अंदर तुम कैसे जाओगे? मैं पहले आया, तुम्हारा नंबर बाद में। नंबर? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हर जगह मेरा ही नंबर पहले आता है। अबे तेरी बकवास है, नादान है, मगर मेरा दोस्त है, इसे माफ कर दिया। ये मर जाएगा यार, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अबे ओए, सोच समझ के पंगा लिया कर। मालूम है कौन है? बड़े बाप की औलाद है। इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं, और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम। इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार, इनके तो यही पर नहीं। मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल। मगर यार करें क्या? मगर यार, अगर तुझे नहाने का इतना शौक है तो सवेरे 4 बजे क्यों नहीं नहाया? कायरों की तरह देर से उठ के जल्दी नहाना चाहता है, तेरे बाप का राज चल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? फिर और फिर एक दिन तू नहीं नहाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? रोती तो तू नहाता है, अच्छा खासा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ, मगर इसका नहाना जरूरी है ना। मैं सही बोल रहा हूँ? तू टेंशन मत ले यार, तू ना यार, प्लीज यार, बाथरूम भी तुम जा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। सही किया ना मैंने? बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो फिर कहाँ है सर? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है। कहाँ है? हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान कहाँ पर? हिंदुस्तान सर, हिंदुस्तान हमारे दिलों में। ये बात और है कि आजकल हमारे दिल ही सोए हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं है। और मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। बात गौर से सुनो,
मैं कोई नेता नहीं जो बकवास कर रहा हूं। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हीरे से ज्यादा कीमती है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी, कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूं। इसलिए ये कोशिश करना कि तुम लोगों से भी गलती ना हो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सो बी रेडी, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग का पहला सबक शुरू होता है। सॉरी डार्लिंग, बहुत देर से तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। क्या करूं, इन नौजवानों को ये लेक्चर देना बहुत जरूरी था। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, आई लव यू, आई लव यू। अबे समर, जा समर। अबे क्या खाक समलू, दो घंटे से दौड़ रहे हैं। उछड़ की औलाद, लगता है ऑर्डर देके ही भूल गया। हाँ यार करण, ये प्लस का बच्चा माइनस कब करेगा? जब एक आदमी लाश गिरेगी। ठहर यार, अभी विश्राम कराता हूँ, पता तो लगे आखिर ये बड़ा खोया कहाँ हुआ है। हाँ जमीन पर जाओ, पैर मत विश्राम। किसने की हरकत, किसने की तुम में से ये हरकत? ओके ओके, अगर एक मिनट के अंदर तुम लोगों ने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो सजा सबको मिलेगी। आप सबको सजा क्यों दे रहे सर? गुनहगार तो ये है करण, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे श्रीदेवी कहते हुए देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ग्राउंड में लेट कैसे आए? तुमने मेरा कानून नंबर 38 कैसे तोड़ा? सर इसका भी जिम्मेदार यही है, इसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया सर। तो तुम बाथरूम तोड़कर बाहर निकल आते? एनसीसी का मतलब अनुशासन यानी डिसिप्लिन, हर हाल में हर सूरत में। जो आदमी बाथरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? लेकिन सर, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बंदूक उठाओ और इस ग्राउंड के 5 चक्कर काटो। लेकिन सर मेरी चक्कर, मगर सर 15 चक्कर। ओके सर। तो ये हरकत तुमने की थी? नहीं सर, वो मैंने कहा था। नहीं सर, मैंने कहा था। ये झूठ बोल रहा है सर, वो हरकत मैंने की थी। गुड, एकता, यूनिटी, I like it। लगता है मेरे लेक्चर का असर सिर्फ तुम चार लोगों पर हुआ है। थैंक यू सर। अब एक काम करो, अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और इस ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो। सर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? गिनती बंद करो, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक भागते रहो। क्या? मार्च। ये लाठी का बच्चा 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 2-1 पुतुल लड़काकर ही रहेगा। तू क्या सोच रहा है करण? मैं सोच रहा हूँ कि इस श्रीदेवी के आशिक के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ओ भाई, तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है? हाँ? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये मत पूछ, मत पूछ यार। यार तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो। मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग? सब समझता हूँ। क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंस भी चढ़ा देंगे ना? हाँ भले चढ़ा दे, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर तुम लोग जागा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में। वहाँ क्या है भाई? वहाँ वहाँ पर श्री देवी आई हुई है। हाँ, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तू मेरे लिए,
मैं तेरे लिए। हाँ, इतना ही नहीं, कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था रेडियो पर। अच्छा? हाँ, मैंने तो उसकी आवाज भी टेप कर रखी है, सुनोगे? फॉलो मी। श्री देवी जी, आपके चाहने वालों की तरफ से मैं आपसे चंद जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शादी तो मैं जरूर करूंगी, मगर अभी तक मुझे मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला। मेरा मतलब है कि बलमा। यानी कि आपके दिमाग में आपके होने वाले पति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ है। जी बिल्कुल, मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। वो तो मैं हूँ। जिसका चौड़ा सा सीना होगा वो भी है। और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे वो भी लगे। और वो आपके मुझसे साफ साफ कह देगा कि शेरी आई लव यू यार। शेरी आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? कुछ मिलिट्री वाले इतनी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की मूछें होंगी मगर मोटी नहीं, छोटी छोटी। रेडियो वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री देवी जी। लाओ सर, गो टू योर बेड। अपना रेडियो कल सुबह ले लेना। आज रात मुझे रेडियो पर खाड़ी संकट की खबरें सुननी है। गुड नाइट एंड गो टू योर बेड। सॉरी सर, गुड नाइट। मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। जिसका चौड़ा सा सीना होगा और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे। और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि श्री आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की लगता है तुम्हारे लिए मुझे इनकी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। कहाँ भेज दिया उस बुड्ढे को? क्या वाकई श्री देवी आई है? श्री देवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ, मशहूर बॉक्सर देवा। नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पड़े। क्या जरूरत है डार्लिंग, ये तुम्हारा अपना ही कमरा है, मैं खुद भी तो तुम्हारी हूं। अब इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूं मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। यही नहीं, मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूं। तुम्हारी कसम श्रीदेवी, लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है
तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन, और वो विलेन अमरीश पुरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। तेरी लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, देखो। बदल गई है तेरी देवी की, हो क्या क्या हुआ डालेंगे? शक्ति डालिंग, ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इसने मेरे साथ लगता मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था। नहीं, ये कमरा नंबर 203 ही है और अब तू तो साथ जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा। You are so sweet. मुझे जाने दो प्लीज। भाई साहब, मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सभी साफ होते साफ होने वाला है। बीवी जरा दरवाजा बंद कर। रुक जाओ, मौत हॉकी के ग्राउंड में क्या दे। अरे ओ बाली साहब, तेरा बॉल तो देना यार, आकर खुद ले ले। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी पीटर। यस सर। पीटर, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी लेकिन तुम्हें नहीं दी ना। मुझे छुट्टी मिल गई तो हजार लड़कों का खाना कौन पकाएगा सर? हजार लड़कों का खाना आज पीटर नहीं, हजार लड़कों का खाना आज ये चीटर बनाएंगे, तुम जा सकते हो। यस सर। लेकिन सर, इस सजा की वजह हमारा कसूर क्या है? ओ, तो तुम लोग अपना कसूर जानना चाहते हो? जी हाँ। तुम इस इशू का नेशनल इशू बनाना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, बनाओ। अरे बनाओ। सर, हमें हमारा कसूर मालूम पड़ गया। हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। खाना हम भी पकाएंगे। जी हाँ, वेरी गुड। वो भी 1.5 घंटे के अंदर। और ये मत भूलो कि बाजार से सब्जियां वगैरह भी तुम ही लाओगे। सर आओ। यार तुम लोग कितना भी कोशिश, मगर बुढ़ऊ श्रीदेवी के चक्कर में मुझे मुंडवाए गया। देखना, एक महीने तक हाथ मुंह से नीचे नहीं आएगा, न जाने बेचारा कैसे नहाएगा और कैसे धोएगा। आप लोग हट जाइए, बहुत जल्द यहाँ लड़कियों की साइकिल की रेस गुजरने वाली है। लड़कियों की रेस।
जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ, पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूते। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और देखती जाओ किस तरह एक एक करके तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे सामने से गुजरती है। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो वरना पापा से कहेगी थाने की हवा खिला दूंगी। कौन से थाने में हवलदार है आपके पापा? हवलदार नहीं, कमिश्नर है। कमिश्नर? कमिश्नर हो या गवर्नर, एक बार हम किसी का हाथ थाम लें तो आसानी से नहीं छोड़ते। अरे दोस्तों बोलो, कौन सा गाना था वो यारो? पकड़ेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा जरूर जरूर तोड़ेंगे। चलो उठा। अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। हाय, यही तो मुसीबत है जाने मन, कि तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या चीज हो। ये लो, आ गई दिव्या। आ गई? क्यों, कौन था वो लड़का? अरे इसकी तो साइकिल भी पंचर है। क्यों? अरे उसी लड़के ने किया होगा। क्यों बेचारे को खामखा तुम लोग तंग कर रहे हो? ऐसे ही साल भर की मेहनत पानी में गई और ऊपर से ट्रॉफी भी गई। पूनम, उस बंदर के बच्चे का तुम एहसान मानो जिसकी वजह से तुम ये रेस जीती हो, और रहा सवाल ट्रॉफी का, वो तो अगले साल मैं जीत ही जाऊंगी। मगर हाँ, उससे पहले अगर उस कमीने को मैंने जूते नहीं खिलवाए तो उसका अफसोस मुझे जरूर रहेगा। ये जो कहती है ना, करके दिखाती है, यानी कि उस बेचारे की बहन बन जाएगी। बहुत फनी हो। जादू कर दिया है उस लड़की ने तुझ पर। जादू वादू नहीं, हमारे करण साहब इश्क में पड़े। अरे ओ पंगे मास्टर, भूल जाओ उस कयामत को, कमिश्नर की बेटी है, तेरे हाथों में हथकड़ियां लगवा देगी, समझा? खाने तैयार हुआ या नहीं? यस सर। अबे जल्दी जल्दी प्लेट ले लगा वरना इसके चक्कर में मर जाएंगे। जल्दी करो, अरे मार डालेगा ये किसी दिन। जल्दी जल्दी करो करण। बहुत गलत बात है, तू पागल हो गया डाली। अच्छा करो, खाना अच्छा बना है। थैंक यू सर। कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर, मसाला कूट कूट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं। अभी तो सिर्फ हाथ जले, आगे शायद। मैं समझ गया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ, खाना छोड़कर जाने का मतलब कानून नंबर 30 तोड़ना, उसकी सजा जानते हो तुम? सर आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता। स्टॉप इट। क्या हुआ सर? खाने में क्या मिलाया? ये मिलाया है, इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए सर, जुलाब की गोलियां। जुलाब?
नौजवान, जल्दी बात, कैंप अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या कहा, 3 किलोमीटर दूर? जी हाँ, 3 किलोमीटर दूर। अबे 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 अबे, अबे तो हमेशा गड़बड़ करता है यार। मैं और नहीं भाग सकता हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे कोई हेलीकॉप्टर, प्लेन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, टांगा, किसी का इंतजाम करो। कैसे दोस्तों तुम लोग यार? ए, साइकिल चलेगी? मामला बड़ा रंगीन है। रंगीन नहीं, मामला बड़ा संगीन है। सबकी सब सर पर कफन बांध कर आई हैं। मुझे लगता है ये सब कफन हमारे लिए लाई हैं। अबे कुछ करना है यार। देवियो, अगर आप हमारा रास्ता छोड़ दे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी आप लोगों। क्यों बच्चों, आज हाथ जोड़ रहे हो? अरे वो कौन सा गाना था, पकड़ेंगे जो हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। आज हाथ नहीं पकड़ोगे? दिल तो बहुत कर रहा है जी, मगर फिलहाल मजबूरी है, कहीं जल्दी से पहुंचना है। कहीं जल्दी जाना है तो जाओ ना। सचमुच जाओ? हाँ जाओ। सचमुच जाओ? जाओ। मुझे मालूम है, जाने नहीं देंगे। सचमुच जाओ? जाने दे, अरे 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 जाने दे, मुझे जाने दे।
सर, ऐसे क्या घूर रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। लड़कियाँ पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है, कोई नया तरीका ढूंढ कर लाओ। सुनिए, कहीं आप कमिश्नर यशपाल साहब की बेटी दिव्या तो नहीं? अरे आप तो मुझे सच में जानते हैं। आपके डैडी और मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपकी जिक्र हमेशा हमारे घर में होती रहती है। कितने ताज्जुब की बात है कि इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। एनीवे माय नेम इज बाली और एनसीसी कैंप पे ट्रेनिंग के लिए आया हूं। अरे दिव्या चल भी, मेरे से इसकी गांठ खानी है क्या? बाय बाली, सी यू। क्या बात है बाली, बड़े गौर से देख रहा है। बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन ये साली सर से पांव तक कयामत है कयामत। अब इस दिल को तब चैन मिलेगा जब ये इस दिल की रानी बन जाएगी। अबे ओ पंगे मास्टर, इतना सब होने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं है जो तू बन समर के बाद फिर बैठने जा रहा है? ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते मेरे दोस्त। और वो लड़की क्या समझती कि उसके उतारने से मेरे मोहब्बत का भूत उतर जाएगा? भूत तो ठीक है गुरु, मगर कहीं रास्ते में जीन मिल गया तो? तुम लोग उसे क्यों डरते हो यार? या तो वो सोया हुआ होगा या श्रीदेवी के ख्यालों में खोया हुआ होगा। डरते क्यों हो यार, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। अरे राजा, जरा देखना बुढ़ा कुसर तो नहीं दिख रहा। जरा देखना बुढ़ा कुसर तो नहीं दिख रहा है। जरा देखना बुढ़ा कुसर तो नहीं दिख रहा। जरा देखना बुढ़ा कुसर दिख क्यों नहीं रहा? मैंने बुढ़ा कुसर कहीं नहीं देखा। इतनी रात को मेरे बच्चे दसगर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं सर, बस ऐसे ही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या गुल खिलाते हैं और मुझे किस नाम से बुलाते हैं। बुड्ढा खुसट नहीं सर, होता है तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हारा मेजर आई एम लाठी इतनी रात को ठंड में अपने कमरे में बैठा हुआ किसी के ख्यालों में खोया होगा या फिर सोया होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। नौजवानी में मैं भी कोई खास शरीफ नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शरारते किया करता था। कैंप से बदमाशी करने के लिए रात को चुप चुप कर मैं भी भागा करता था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह पकड़ा नहीं जाता था। सर आपका मेजर आपकी तरह स्मार्ट नहीं होगा सर। वो तो है, प्लस मेरी तरह सख्त भी नहीं था। तुम लोगों ने कैंप के कायदे प्लस कानून तोड़े बिना नतीजा सोचे समझे? क्या हुआ सर? कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? जी सर। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, है ना? जी सर। अब ऐसे में अगर किसी को इस खुले मैदान में सोना पड़ जाए वो भी बिना कपड़ों के, तो कितना मजा आए, है ना? खासकर अगर उसके पास न कंबल हो, न तकिया हो, न पेंट हो, न शर्ट हो, न ये मोटे मोटे ट्रैक सूट हो, बिल्कुल वैसी जैसे बच्चा पैदा होने के वक्त होता है ना। क्या हुआ मेरे लाल? सर आपकी बातें सुन के से ठंडी चढ़ रही है। ना ना मेरे बच्चे, इतनी जल्दी ठंडी चढ़ जाएगी तो ये पूरी रात कैसे बीतेगी? सर मेरा दोस्त मर जाएगा सर। नहीं नहीं अभी नहीं मरेगा लेकिन सुबह तक जरूर मर जाएगा। तो मैं तुम लोगों के मरने का मेरा मतलब तुम लोगों के सोने का इंतजाम कर कर आता हूँ। तब तक तुम चारों अपने ये कपड़े उतारो और जमीन पर लेट जाओ। अबे कुछ कहते हैं यार, जमीन तो क्या, अगर आप हमें बर्फ किसी पर लेटा देना हम उस पर हंसते हंसते लेट जाएंगे, मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर हम आपके स्टूडेंट है सर, हमारा खून खोलता है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है? पास वाले गर्ल्स हॉस्टल की प्रिंसिपल। वो भला मेरी इज्जत क्यों लूटेगी? मेरी तो ना उससे हेलो है ना आया है, ना जान है ना पहचान है, ना दुआ है ना सलाम है। मगर हमारे पास उसका पैगाम है। क्या सबूत? राजा सुना दे टेप रिकॉर्डर, मुझसे तो सुना नहीं जाएगा। कौन है वो बुढ़ा खड़ूस मिलिट्री के ऑफिसर का बच्चा? आई एम लाठी, मेरा बस चले तो मैं उसकी बंदूक लेकर उसी के सीने में गोली मार दूं। जब देखो तब कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। जब भी मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक मार्च कम्बिनो कुत्ता हरामी उसकी माँ। बंद करो ये टेप। खराबा तो अब होगा। बोला भी चाहिए सर, ये सबूत है उसकी बेइज्जती का। मैं इस औरत को कंधे पर उल्टा बिठा कर पूरे शहर के चक्कर कटवाऊंगा कल सुबह ही। कल सुबह क्यों सर, अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार, रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, प्लस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब देखना
सुबह होती है तो क्या होता है? कहाँ है यहाँ के प्रिंसिपल? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो बदतमीज औरत जो लोगों को गालियां देती फिरती है? शट अप! कौन है आप और मेरे हॉस्टल में आकर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? आपने मेरी इज्जत पर डायरेक्ट अटैक किया है, प्लस मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया है। मैं पूछता हूँ आखिर अपने आप को समझती क्या है? आप अगर ज्यादा बकवास की ना तो घर पे इतने चप्पलें मारूंगी कि जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी निकल जाएंगे। लगता है पागल घर से भाग कर आया है। क्या कहा? पागल? तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर चढ़ूं? तुम्हें ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद नीचे आती हूँ। क्या कर दिया आपने? जरा आराम से उतरती हैं आप, लगते आपके पांव में बहुत जबरदस्त मोच आ गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सुकून मिल रहा है। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके कबड्डी की प्रैक्टिस करो, जाओ। थैंक यू। लेकिन ये तो बताइए, आप मुझसे झगड़ा करने क्यों आए थे? इसकी वजह से मुझे नींद न आए। क्योंकि इसमें था कुछ और आया कुछ और। लगता है मेरे बच्चों ने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की है। कितने बच्चे हैं आपके? 200। नहीं, मेरा मतलब 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे। वैसे तो मैं अभी तक कुंवारा हूँ। रियली? यस। चले। I'm sorry. It's okay. तो मैं चलूं? कल सुबह आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेरा मतलब है कल मेरी लड़कियों का कबड्डी का मैच है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर वहाँ के गेस्ट चीफ गेस्ट बन जाए तो सर हम मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात हो ही नहीं सकते। जरूर आऊंगा। आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझको? You are so handsome. कितने खूबसूरत हैं। लेकिन लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। काश आपकी मुझे जरा बड़ी होती। ये मुझे भी चलेगी। सर, ये आप है सर? आज तो आप बड़े हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं सर। तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले मैं हैंडसम और स्मार्ट नहीं लगता था? नहीं नहीं, ये बात नहीं सर, मगर आज तो आप जवान लग रहे हैं सर। बिल्कुल सर, जवान तो हम बचपन से लग रहे हैं बेवकूफ। मगर सर, आज आप इतना बंसावर के किधर जा रहे हैं? नहीं, ये पर्सनल सवाल पूछकर तुम कायदा नंबर 34 तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अरे चला एक माई और एक टू टड़ी टड़ा हाय पीटर नो नो मिले इस जगह। लड़कियों की कबड्डी का मैच। वो आ गई धुलिया की टीम। Come on.
सॉरी सोबियली। हेलो। हाय। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको रोज देखता हूँ। Oh, come on, my God. वैसे लड़की पटाने का ये तरीका अच्छा है सर। I don't know why. हर मैन मुझे ऐसा कहता है। वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे कहती है कि मैं नौजवानों के दिलों की धड़कन हूँ, उनकी रातों की रानी हूँ। Like, what would you say? Dream girl. Do you feel the same? मुझे लगता है मैच शुरू करना चाहिए। Okay, come on, girls. Sorry, sorry, ले किया। Bye. Come on, come on. चालू लड़कियाँ। अरे लड़की को छोड़ दे, लाइन को पकड़ ले, लाइन को पकड़ ले, पकड़ ले लाइन, पकड़ 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 पकड़। बहुत खतरनाक है। मोटी मोटी मोटी। अबे अबे गिरीश, अबे 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 गिरीशा, अबे क्या कर रहे अबे अबे सावित्री सावित्री, ए ए ए छोड़ना, ए सत्या उठना, अबे अगली बार जीत जाओगी। लो अपने पापा से बात करो। हेलो, हाँ बेटी कैसी हो तुम? पूछ रहे सिर्फ जैसे आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा थूक दो बेटी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। और पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक चल रही है, और मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इस वक्त मूड मेरा बहुत खराब है। किसी और को गुस्सा अपने मम्मी डैडी पर क्यों निकाल रही हो दिव्या? आखिर ये मैच तो तुम्हें हारना ही था। तुम्हारा मतलब क्या है बाली? यही के तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने वाली धूलिया टीम की लड़कियां लड़कियां नहीं थी, बल्कि हमारे कैंप के लड़के थे। जी हाँ, करण और उसके दोस्त। What? यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लो सबूत। Yeah! पहले क्यों बताया लड़के थे? छोड़ती नहीं उनको। मेरा मतलब है अच्छी तरह मजा चखाती। हाँ मजा तो अब भी चखाएंगे। कम ऑन। क्या कर रहा है यार, ठीक से खेलना। कह रहा मैं मजा नहीं आ रहा है यार। दुनिया में गेम तो सिर्फ एक ही है और वो है कबड्डी। हाँ, और खास तौर से अगर सामने वाली टीम लड़कियों की हो। क्यों? चल लड़कियों का नाम सुनकर लाल लाल हो रहा है। देखा ना जमीन पर पड़ा कैसे छटपट आ रहा था। कबड्डी 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 कबड्डी। ये के हाथ बढ़ा के लाइन छू ले। अरे लाइन तो छू लेता ये, मगर लड़कियों ने इसे अपनी बाहों में जो पकड़ रखा था हैं, बहुत मजा आ रहा था। क्या साल है। हाँ मजा तो और भी आता अगर एक चुम्मा मिल जाता तो। चुम्मा? तुम लोग एक चुम्मा दिलवाओ ना यार। दिलवाए? क्या समझते हैं ये हमको और क्या समझते हैं अपना। लड़के होने का अफसोस हो तो ये पहन लो। चूड़ियां और लिपस्टिक? ये तो फिर नहले पे डहला हो गई करण। डहले पे गुलाम भी होता है दोस्त। यार करण, ये लड़ाई झगड़े की भाषा उनकी समझ में नहीं आ रही। कोई प्यार मोहब्बत का रास्ता नहीं हो सकता है। प्यार मोहब्बत? ठीक ठीक है राजा। हाँ
तुझे चुम्मा चाहिए था ना? हाँ, चुम्मा। मैं तुम सबको चुम्मा दे लाऊंगा और खुद भी लूंगा, उन्हीं खूबसूरत होठों से जिन होठों ने अब तक प्यार का इकरार नहीं किया। सर, क्या कर, तू छोड़ो ना, प्लीज मत सताओ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी करना दो मिनट में कर लो। ओके, बहुत देर हो गई है, वापस चलो, कहीं वो मैडम जाग ना जाए। अरे ऐसी जवान रातों में तो हम जैसी जवान लड़कियां ही जागती है, वो क्या जागेगी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। ओ कम ऑन यार, उस बुढ़ी की बातें करके क्यों टाइम खराब कर रहे हो, एंजॉय योरसेल्फ ना। ओके माय लव, तो ये लो, करो ना छोड़ो। अरे भागो, अरे भागो, अरे बाहर, खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। रुक जा। क्या मैडम, क्या हुआ, कौन है ये लोग? अभी पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ मेरी तरफ देखो, सुना नहीं तुमने, मेरी तरफ देखो। तुम लोग यहाँ कब से आ रहे हो? जी हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और वो भी गलती से आए। मेरी लड़कियाँ इतनी भी बुरी नहीं है कि पहली बार में ही लड़कों के गाल पे पप्पियां दे दे। पप्पियां? पप्पियां? ओए! मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देती हूँ, सच सच बता दो वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? नहीं नहीं मैडम, ऐसा गजब मत कीजिए, हम अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के नाम बताते हैं। मेरी वाली वो है रानी। क्या? शकीला। क्या? गुड्डी। और तुम किससे मिलने आए हो? मैडम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं। तो चौथे तुम हो? मैडम ये सब बकवास है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। दिव्या बहस करके क्या फायदा है, अपनी चोरी पकड़ी गई डार्लिंग। चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना मैडम? एक ही तरीका उसका। क्या? तो फिर आप इनसे कहिए कि अपने होठों से हमारे इस गाल पर दूसरा निशान बनाए और आप दोनों निशानों को चेक करके देख लीजिए कि ये चूमा इनका है या किसी और का है। गुड आइडिया, लेकिन मैडम मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आई से कम ऑन। छोड़ना यार। देविया सॉरी मैडम, मैं किसी भी कीमत पर। तो फिर तुम्हारे डैडी को मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। चुम्मा चुम्मा। आज गुस्से में दे रही हो, कल प्यार से दे देना। निशान तो वही है। जी जी हाँ। अगर आइंदा ये लड़कियां तुम्हें किस करने के लिए बुलाएं तो मेरे पास चले आना। आपके पास? तो अब आप हमें चुम्मा देंगी? वो बदतमीज, गेट आउट, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तुम लोगों का है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे इल्जाम देने का क्या फायदा। तुम लोगों को सजा मिलने ही चाहिए, कल सुबह तुम सब मिलकर हॉस्टल की सफाई करोगी, समझी? के छोरे शर्मिले ओ नखरे वाले, करे करे बाकी छोरे शर्मिले ओ नखरे वाले। हाथ में कंगन कान में बाली, भोली भाली कोई मतवाली बने की मेरी घर वाली।
गोरे गोरे माटी चरे शर्मिले हो नखरे वाली हाथ में कंगन कान में भाली भोली भाली कोई मतवाली बनेगी मेरी घरवाली गोरे गोरे माटी चरे शर्मिले हो नखरे वाली गिली गिली ओ गिली गिली ओ बहलाओ काम चलाओ नहीं चले वापस कर जाओ हम सदीवाना न मिलेगा शम्मले कर ढूंढ लो शम्मले कर ढूंढ लो हम समत वाला न मिलेगा चाहे जिससे पूछ लो चाहे जिससे पूछ लो ओ काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली पट जाए वाले गोरे खरे बाकी छरे शर्मिले हो नखरे वाले हाथ में कंगन कान में भाली भोली भाली कोई मत वाली बने की मेरी घर वाली गोरे गोरे बाकी छोरे शर्मिले हो नखरे वाले कंगन कान में भाली भोली भाली कोई मतवाली बनने की मेरी घरवाली गोरे गोरे बाकी छोरे शर्मिले हो नखरे वाले गिली गिली ओ गिली गिली ओ सचमुच मर गया। अबे मैंने तुझसे कहा था ना कमिश्नर की बेटी से पंगा ना ले, लेकिन तू तो सारे बॉयज हम तुम लोगों के मेजर साहब किधर हैं? जी यही है सर। एक कुर्सी लेकर आ। नहीं नहीं कुर्सी वर्सी नहीं चाहिए। कुछ पियेंगे आप सर? कुछ ठंडा गर्म सर? चाय वगैरह सर? नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे मेजर साहब से मिलना है। मेजर? हाँ जी जी जरूर सर, अभी बुलाते हैं। मेजर आई एम लाठी, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा कसूर क्या है? ये मुझे छोटी कैसे हो गई? ओए क्या कर रहा तू? इन मूछों के कटने से कोई फायदा हुआ या अभी तक आ रहा है? ये रोइनों के ख्वाब देखने बंद हुए? बंद कर दिए बंद कर दिए। बल्कि
एक नई जगह टांका बिट्टू है क्या? अरे वाह, तेरा दुरुस्त है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। लेकिन ये नहीं बताया तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए कमिश्नर? अरे यार, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और कल से इसके हॉस्टल की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, इसलिए से लेने चला आया। हैप्पी बर्थडे, तुमने बताया नहीं कि तुम कमिश्नर की बेटी हो। अरे सर, आपने भी इन्हें बताया नहीं होगा कि आप कमिश्नर साहब के दोस्त हैं। गुड वन। अच्छा मेजर, शाम को मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम जरूर आना है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी लेते आना। क्या कमिश्नर? थैंक यू सर। हां ये जरूर आएंगे। लेट्स गो। तो मैं क्या कह रहा बर्थडे की पार्टी? नहीं नहीं यार, बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। मेजर साहब, आप किसी खास को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मैं देख रहा था कि मेहमान रियली मेहमान बहुत आए हुए हैं। एक्सक्यूज मी। कमिश्नर, मेजर, एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, मेड फॉर ईच अदर। मैंने कहा नमस्ते जी। आज तो आप मेरे कत्ल का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। कयामत तो आपने बिठाई है जनाब। ये फूल अगर तेरे जूड़े में लगा दूं तो गुस्ताखी माफ। सब लोग देख रहे हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और डरते हैं जो प्यार करते नहीं। न्याय हेलो सर। जिसका बर्थडे तुमने उसको हेलो किया? नो सर। उसको विश किया? नो सर। बर्थडे प्रेजेंट लाए? नो सर। कैसे घटिया मेहमानों बर्थडे प्रेजेंट तक नहीं लाए? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हूँ टाई बोर्ड क्या पायला गो अंकल। अरे बाली, तुम यहाँ? अंकल, आप ही ने तो मेजर साहब से कहा था कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर आना। हाँ, मतलब तुम एनसीसी कैंप अंकल। दिव्या। हाँ जी। बेटी, तुम बाली से मिली हो? जी, एक दो बार मुलाकात हो चुकी। अपने काली बाबू है ना, उनके छोटे भाई हैं। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू। चलो बेटी, केक काटो। एक्सक्यूज मी। आने में थोड़ी देर कर दी ना मैंने, जानबूझ कर देर से आया। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदल गई। एक बात पूछो। पूछो। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? भला आपने मुझसे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, तुमने कभी बंदर देखा है? मैंने कभी बंदर तो नहीं देखा है, मगर बंदरिया मैं। दिव्या बेटी, आओ केक काटो। यस डैडी। केक से ज़्यादा उंगलियाँ मीठी है। हद होती बेशर्मी की, तुम तो हद धोकर ही पीछे पड़ गए हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हरकतें नफरत को प्यार में बदल देंगी? किसके मुंह लग रही हो दिव्या? Come on, let's dance. Sure. वो पूछ लो। देख गए ना? फिलहाल। We'll be right back.
Yeah.
आए प्यार करना। That was a nice evening. Okay, Major. See you. दो तीन दिन रुक जाते तो अच्छा होता। कल एक जरूरी मीटिंग है और फिर तुम्हारा कैंप भी खत्म होने वाला है। बॉम्बे में ही मिलेंगे। Okay, यशपाल। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी इज्जत। कौन है वो? एक बार मुझे उसका नाम बता दो। कौन है वो? बताओ कौन इनमें से वो? बताओ, बताओ कौन है वो शैतान? ये क्या बोले तुम? ये क्या बोल रही सर? ये झूठ बोल रही सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की साजिश है सर। हरा हराम खोर सर, ये झूठ बोल रहे सर। कब सारे लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेइज्जती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। आज तक मैं तेरी सारी शरारतें, तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है। साले, ये ऐसे नहीं बोलेगा मेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी। नहीं कमिश्नर, इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी, इसे सजा जरूर मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा। और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा। कमन भाई, आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण। अच्छा हो जो तुमने हरकत कर दी, वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता। कर रहे वो नाम कमाएगा मेरा भाई, कि तू भी घर से कहेगी क्या बेटा पाया मैंने, है ना? Now get lost, sir. Out, sir. 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 जल्दी है? हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा ना। वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। बहुत खुश हो? क्योंकि तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। हाँ, वो हरामजादा उस लड़की से प्यार करने लगा जिस पर मेरी नजर थी, अब वो उसे जिंदगी भर नफरत करने लगेगी। और उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो अलग बात है। hmm.
सर आप? हाँ मैं, जिसने पहली बार आज धोखा खाया है, जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है, जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है, आरामखोर मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमीनेपन की हद तक गिर सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा। ए मेजर, मैं कर नहीं हूं जो तुम्हारी मार खाऊंगा। बस बस, हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। करण, मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं, लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखा दे इस हरामजादे को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है। मार! बेगुनाह होने के बावजूद जितनी तूने मुझसे मार खाई है उतना तो अगर अपनी औलाद को भी मारता तो, लेकिन तूने सब कुछ खामोशी से सह लिया और मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना खून तक बहा दिया। नहीं सर, नहीं, इसे आप खून मत समझी, इसे आप गुरु दक्षिणा समझी, अपने स्टूडेंट की तरफ से। I'm proud of you, my son. सब कौन तुमने यहां किया? उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे, 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून भाया, ये हमारा जाति मामला है भैया। उससे बदला हम खुद लेंगे, हम खुद लेंगे। हे मुन्ना, तेरा खून का हमारे खून से अलग है का? उसने तेरा नहीं हमारा खून बहाया भैया। इन इंसान तेरे चेहरे पर नहीं, हमारे दिल पर लगे, हमारे दिल पर। हे मुन्ना देख, हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी, हम जो कह देते ना वो हो जाता है, वो हराम ज्यादा मरेगा। हम भी चलेंगे मुन्ना तेरे साथ, हम भी चलेंगे। ए गुलाम, गाड़ी निकाल रहे हमरी, चल मुन्ना। क्या कर रहे हो साली जी, ये क्या कर रहे हो? इसमें इतना जोश में आने की क्या बात है? मामूली फौजी की तरह दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? अरे आदमी है तुम्हारे पास, एक कर्नल की तरह पीछे से ऑर्डर दो। आली की बेइज्जती का बदला जरूर लो, मगर दिल से नहीं, दिमाग से। एक का बात हमका समझ में आ गया। हे मुन्ना, तो कौन चिंता मत कर, हम उस हरामजादे को ऐसा लहसन वहां सिखाएंगे, इस सारा दुनिया हंसेगा उस पर। क्या हो? छोड़ दो मुझे,
भाई साहब, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, शुक्रिया। छोड़ दो मुझे। अरे नहीं 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 छोटे साले जी, अरे कहाँ इज्जत उज्जत लूट रहे हो अपाहिज की, शरीफ लड़की है, खाली साड़ी उतार के फेंक दो साली की, घर पहुंचते पहुंचते शर्म के मारे खुद ही पानी पानी हो जाएगी। जानती है तुझे ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ रही है, हा? जानती है तू, तेरी भाई की वजह से मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने भाई से कहना कि बाली ने कहा है तुम्हारा अगर कोई लफड़ा किया तो तेरे जिस्म पे ये पेटीकोट और ये ब्लाउज नहीं रहेगा, समझी? चला। क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ? रमा कौन? रमा क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी, कुछ तो बोल। रमा क्या हुआ? बोल ना बेटी। रमा रमा क्या हुआ? बोल बेटी। रमा क्या हुआ बता मुझको, किस तरह अंदर तेरे साथ प्यार करती? ना बता मुझे। बता दे बेटी। एक बार ना बता, एक बार ना बता। कौन है वो? कौन है वो? बता दे। कौन है वो? कौन है वो? भैया। तूने मेरी लाचार बहन को हाथ लगाया, अरे अगर मौत का बच्चा तो मेरे सामने आज साले। साले जी तुम्हें बाद में मौका दिया जाएगा, सबसे पहले तो हमें इसके साथ वो करना है जिसके लिए हमने इसे यहाँ बुलाया है। मैं ना कहता था इसकी दुख तिरक पर हाथ रखो तो ये खुद यहाँ आ जाएगा। रामजादे, हमरे भाई के खूबसूरत चेहरे पे बदसूरत निशान बनाया तूने, कुत्ते की तरह पीटा उसको। ये जब छोटा सा था ना, स्कूल में मास्टर ने इसको थप्पड़ मारा था, हमने लठ मार के मास्टर का सर खोल दिया था, और तूने हमें मुन्ना पर हाथ उठाया हमारे भाई पे। गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को इंस्पेक्टर, इसने हमरे आदमी का खून किया है। झूठ बोला है तूने साबे, झूठ बोला है, इस आदमी को खून मरा नहीं, इसने किया है, इस बात का सबूत इसके हाथों में ये रिवॉल्वर। इस सबूत के जरिए आप इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कर रहे हो आप, इसकी उंगलियों के निशान क्यों मिटा रहे? इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे? समझ गया, कानून की वर्दी पहनने के बावजूद तुम दोनों इन लोगों में से हो, मगर इस रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान तो तब बनेंगे ना कुत्तो, जब मेरी ये मुट्ठियां खुलेंगी। खुलेंगी, लोगों की किस्मत मुट्ठी में बंद होती है, तेरी बदकिस्मती तेरी मुट्ठी में बंद है, ये तो
जरूर खुलेंगी। इसके लिए चाहे हमको तेरा सांसें भी बंद करना पड़ा तो हम कर देंगे। भागने ना पाए है। अरे मेजर, ना कोई तार ना टेलीफोन, कब आया? जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस भी बेकाबू होकर मासूमों को अपना शिकार बनाने लगी है। अच्छा अच्छा, तो तू अपने स्टूडेंट की वकालत करने के लिए आया है? वकीलों की जरूरत सिर्फ मुजरिमों को होती है यशपाल, कारण जैसे निर्दोष और बेगुनाहों को नहीं। कौन कहता है कि वो बेगुनाह है? क्या सबूत है उसके पास कि वो निर्दोष है? निर्दोष की सबसे बड़ी मजबूरी यही तो होती है कि उसके पास सबूत नहीं होता। और रहा सवाल बेगुनाह होने का, तो मैं कहता हूं, मैं मेजर लाठी, जिसने उसे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी झांक कर देखा है, ऊपर से नीचे तक परखा है, जाना है, समझा है, वो इस तरह का घिनौना जुर्म कभी कर ही नहीं सकता। शायद तेरे समझने में गलती हुई है मेजर, तुझे तो उस लड़के को उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जिस दिन उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। उस दिन मुझे गलतफहमी हुई थी, आज तुम्हें गलतफहमी हो रही है यशपाल। बातें मत हो लाठी। देख, उस खूनी के लिए तेरे दिल में हमदर्दी होना जायज है क्योंकि वो तेरा स्टूडेंट, लेकिन कानून के लिए वो एक मुजरिम है, सारे सबूत उसके खिलाफ है। लाठी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं, अदालत के हाथ में है। बाहर देखवे, बाहर जेल में जाने के बाद फिर ये मौसम देखने को नसीब नहीं होगा। 14 साल के बाद जब तू छूटेगा ना तो कमर टेढ़ी हो चुकी होगी और आंखों से बराबर दिखाई भी नहीं देगा साले। अरे ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया, अदालत में तो बहुत चीख चिल्ला रहा था। सच्ची पागल है तू, एकदम पागल है। अरे क्या जरूरत थी तेरे को काली बाबू के भाई के साथ दुश्मनी लेने की? क्या जरूरत थी? तेरी बहन की इज्जत थोड़ी लूटी थी, सिर्फ साड़ी तो निकाली थी। गर्मी अभी बाकी है, निकल जाएगी ये गर्मी भी जेल में जाने से पहले निकल जाएगी। छोकरे कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा,
मैंने नहीं, जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी, वरना अंदर तू तड़पता रहता और बाहर मैं। याद है हा? याद है किस तरह ये हाथ बरसे थे मेरे चेहरे पर? हाँ याद है तुझे? मजा आएगा, घाव पर घाव लगाने का मजा ही कुछ और है। ज़ादे, तेरे जख्म को मैं अब नासूर बना दूंगा। होना चाहिए था ना, मगर ये आप ही के कुत्तों की मेहरबानी है जो मैं बाहर हूं। देख लो कमिश्नर, अपनी आंखों से कानून की नाइंसाफी देख लो। एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल न कर लूं, किसी के हाथ नहीं आऊंगा, किसी के नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? कमिश्नर साहब, बाजार में बैठे तवायफ और आपके कानून के रखवालों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो अपना जिस्म बेचती है और ये अपना ईमान। आज तक तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मगर मैं बेगुनाह हूँ ये साबित करने के लिए आज पहली बार एक गुनाह करने जा रहा हूँ। अपने साथ आपकी इस लड़ली को लिए जा रहा हूँ। कमिश्नर, अब इसकी रिहाई का फैसला मेरी तकदीर के साथ जुड़ गया है। हेलो, हेलो, हेलो पापा, मैं
कमिश्नर की लाडली, मैं तुझे यहां अपनी ढाल बनाकर लाया हूं। तलवार बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे माँ बाप भी तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। समझी कि नहीं समझी? समझे कि नहीं तू? हाँ समझी कि नहीं समझी? समझे कि क्या हुआ? क्या कहा मेरे बेटे ने? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? शारदा होश में आ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को क्या करेंगे आप और क्या कर लेगी आपकी पुलिस? पूरे 12 घंटे हो गए मेरी बेटी को गए हुए, मगर आप और आपकी पुलिस ने अभी तक ये पता नहीं किया कि मेरी बेटी को लेकर वो मुजरिम कहां गया है। जिसने आपके आंखों के सामने आपकी बेटी को अगवा किया वो कितना खतरनाक आदमी होगा, और ऐसा खतरनाक आदमी अपनी जान बचाने के लिए मेरी बेटी को नहीं, नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। भगवान जाने किस हाल में होगी वो। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या है ये सब? मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? गेट इनसाइड यू बास्टर्ड, गेट इनसाइड। पुलिस स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा। बोलो कहाँ है करण? मुझसे कैंपिंग के जमाने में वो अक्सर कहा करता था कि उसे ठंडी जगह बहुत अच्छी लगती है। शायद आपकी बेटी को लेकर वो कश्मीर गया होगा। क्या बकवास कर रहा है यार? हा? कश्मीर के हालात आजकल बहुत खराब है सर। वो कश्मीर नहीं, राजस्थान गया होगा। अरे यार, राजस्थान में सब लूट चल रही है, उसे अपना ख्याल ना सही। कमिश्नर साहब की बेटी का तो ख्याल होगा। मुझे लगता है कमिश्नर साहब वो शिमला गया होगा। उसे ढूंढने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स को दौड़ा दीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको करण जरूर मिल जाएगा। खबरदार, जो मेरे इन मासूम और बेगुनाह बच्चों पर और जुल्म किया तो। ये मासूम और बेगुनाह नहीं बल्कि एक मुजरिम के साथी है। उस मुजरिम के जो सिर्फ एक खूनी नहीं बल्कि मेरी बेटी का किडनैपर भी है। जब तक ये मेरी बेटी का पता नहीं बताते मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। कमिश्नर साहब, देविया मेरे लिए भी बेटी की तरह है, उसके लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन उसका गुस्सा मैं आपको इन तीनों पर निकालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। पहले ही आपका कानून मेरे एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं इन्हें अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये तुम्हारा कैंप नहीं है मेजर, अंडरस्टैंड? गेट आउट फ्रॉम हियर। ये रहे इनकी जमानत के कागजात। अब अगर तुमने इन्हें एक मिनट के लिए भी इस काल कोठरी के अंदर रखा या इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कायदे प्लस कानून का कितना सख्त आदमी हूं। छोड़ दो इन्हें, मेरी जला ठीक। आज तुमने मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाले के साथियों का साथ देकर अपनी दोस्ती के मुंह पर तमाचा मारा। आज के बाद भूल जाना कि हम दोनों कभी दोस्त थे। सिर्फ इतना याद रखना, अगर वो तुम्हारा हराम ज्यादा स्टूडेंट पाताल में भी जाकर छुपा होगा तो भी कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। Come on, boys. गला फाड़ रहा है यार, किसको मरने की पड़ी है जो इस जंगल में आए?
नहीं नहीं यार नहीं, मैंने यहाँ किसी लड़की की चीख सुनी। लड़की की चीख? अबे किसी जंगली जानवर के चिंगारने की आवाज को लड़की की चीख समझ रहे हैं तू? भैया इस कानून की वर्दी से सिर्फ इंसान डरता है, जंगली जानवर नहीं, समझे? चलो यार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप कसूर ने क्या किया है जो मैं माफ कर दूं तुम्हें? कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का। पहचानने में बहुत देर कर दी थी भैया, अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जब मैं तुम्हें दे चुका हूँ गाड़ी तुम्हारे पास है, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ आई तो तुम्हारी मर्जी से थी, मगर अब जाऊंगी अपनी मर्जी से। चाहत और प्यार का जो सपना तुम मुझ में जगाने की कोशिश कर रही हो, उन सपनों को मैं अपने हाथों से तोड़ चुका हूँ दिव्या। अगर लड़का जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था, आज हालात ने उसे कावारा मुजरिम बना दिया है। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, चले जाओ इसे।
दीवानी तुझी की मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा, ऐसा होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा। पता चला उन लोगों का? नो सर, हमने यहाँ का कोना कोना चप्पर चप्पर छान मारा मगर उनका कहीं पता नहीं चला। वो क्या उधर सामने? वो घना जंगल है सर, जंगली जानवर रहते हैं उसमें, कोई आता जाता नहीं, हमने वहां चेक किया सर। है तो लड़कर मरूंगा। कहाँ जा रहे हो करण? इन पुलिस वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कब तक मैं इन जंगलों में कारों की तरह चिपटा भागता रहूंगा? कब तक? आज तो मैंने होश में आओ करण, इनसे मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी गोली उन्हें लगे या उनकी तुम्हें, दोनों ही सूरत में हार तो मेरी होगी ना। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है करण, मेरे लिए, हम सब के लिए करण। और फिर ये मत भूलो, अगर तुम ये गलती कर बैठे तो अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करूं मैं? हाथ पर हाथ धरे उनके यहाँ आने का इंतजार करूं ताकि वो दोबारा आकर मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दे? तुम्हारा हाथ अब मैंने अपने हाथों में थाम लिया है, अपने जीते जी में कभी हथकड़ियां लगने नहीं दूंगी। याद है करण, एक दिन तुमने मेरी रिहाई का फैसला अपनी तकदीर के साथ जोड़ लिया था, आज मैंने अपनी तकदीर का फैसला तुम्हारी रिहाई के साथ जोड़ दिया है। Thank you.
तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरा सर शक से झुक गया। जी चाहता है कि अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया आपको? पागल तो नहीं हो गया? पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी ये लाडली हो गई है जो इश्क करने लग गई, और जानती हो किससे? जो इसे उठा कर ले गया था। हफ्ते भर में ना जाने उस कमीने ने इसके दिल में क्या जगह बना ली कि उसके लिए ये पूरी दुनिया टकरा सकती है। शादा, आज मेरी अपनी बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, वरना वो कमीना मुजरिम आज पुलिस के शिकंजे में होता। वो मुजरिम नहीं है पापा, मासूम है, निर्दोष है, जिसके पीछे आपकी पुलिस रात दिन कुत्तों की तरह लगी हुई है। बकवास बंद करो, एक खूनी का साथ देने की सजा जानती हो? ये लीजिए, पहना दीजिए हथकड़ियां मेरे हाथों में, डाल दीजिए मुझे जेल में, मगर इतना याद रखिएगा पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जुल्म और झूठ के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगी। मैंने खूनी से नहीं बल्कि सच्चाई से अपना नाता जोड़ा है, और अपने जीते जी इस नाते को कभी टूटने नहीं दूंगी। शट अप! ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो नादान है, मगर आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ भी कहो यार, वो लड़का है किस्मत का धनी। कमिश्नर की बेटी को क्या उठाकर ले गया, साली दीवानी हो गई उस पर। देखा नहीं था कैसे चिमट कर बैठी थी उसके साथ। सर सोच, हफ्ते भर में क्या क्या गुल खिलाए होंगे जंगल में। दिव्या के खिलाफ एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा। एक तो उस आदमी को पकड़ नहीं सके और ना ही गोली मार सके, और अब दिव्या के बारे में गंदी बात कर रहे हो? भाई ये चांटा तो समझ में आ गया, मगर एक बात समझ में नहीं आई, कमिश्नर की लौंडिया इसे क्या राखी बांधती है जो उसके इतना खून खोल गया? अबे अकल के दुश्मन, जरा आहिस्ता बोला आहिस्ता, तुझे शायद मालूम नहीं है वही लौंडिया तो सारे फसाद की जड़ है। अच्छा? हाँ, ये बाली का दिल आ गया है उस पे, और किसी भी कीमत पर उसे अपनी बनाना चाहता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि काली बाबू ने रिश्ते की बात भी छेड़ दी है। अच्छा अच्छा, मतलब काला चोर पुलिस का जमाई बनने वाला है। वेरी करेक्ट। ये तो हमारा सौभाग्य जज साहब के आप सगाई में। थैंक यू जी। पहला गो अंकल जी, तेरा भाई। कमिश्नर साहब, आप दिव्या बेटी को बुलाइए ताकि मंगनी की रस्म अदा की जाए। आप भी लीजिए। वो नीचे नहीं आ रही है, कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी है, कहती है जोर जबरदस्ती की तो जान दे देगी। सारे मेहमानों के सामने नाक कटवाएगी मेरी? तुम यहीं ठहरो, मैं लेकर आता हूं उसे। वो आपके बुलाने से भी नहीं आएगी कमिश्नर साहब। रामजादे, तेरी इतनी हिम्मत! प्यार करने वालों में बहुत हिम्मत होती है कमिश्नर साहब, अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। फूलों का सहरा बांधने के बजाय अपने सर पर कफन बांधकर आपके चौखट पर इसलिए आया हूं क्योंकि दिव्या सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। यही सपना लिए तू जेल की चार दीवारी में जाएगा कमीने? बहुत दिनों तक कानून के हाथों से बचता रहा है तू। कानून से मैं नहीं, कानून से ये बचते आए आज तक। इसे आप अपना संबंधी बनाना चाहते हैं, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, जो घर मुजरिमों का अड्डा है, जुर्म और काले धंधे करना इन लोगों का पुराना पेशा है, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना इन लोगों का शौक है। मिस्टर साहब, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा दिया हमने। आप तो जानते हैं हम कानून की बहुत इज्जत करता है, नहीं तो इस हरामजादा को अभी क्या करता, क्या करता, जान से मार डालता।
कमिश्नर साहब, कानून के तमाम रखवाले यहाँ पर मौजूद है, इसलिए झक मार कर इसे कानून की इज्जत करनी पड़ रही है। बंद करो अपनी बकवास। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? अरेस्ट द बास्टर्ड। मुझे कमिश्नर साहब मेरी बात सुनिए। जज साहब, जज साहब मुझे सिर्फ 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा अगर मैं बेकसूर हूँ। हट। दुनिया को दिखलाएंगे सोड़िए हीरिए सोड़िए आई लव यू। आए हैं लेने तुझको हम, तुझ लेके ही जाएंगे सोड़िए हीरिए सोड़िए आई लव यू। तेरे मेरे प्यार में कितना दम है दुनिया को दिखलाएंगे सितम खेलूंगा प्यार में तेरे मैं जान पर खेलूंगा। प्यार रुकना ना जाने प्यार झुकना ना जाने, प्यार दुनिया वालों से कभी भी हार न माने। साथ चले हैं साथ चलेंगे साथ कभी ना दिखलाएंगे सोड़िए सोड़िए आई लव यू। आए हैं लेने तुझको हम, तुझे लेके ही जाएंगे सोड़िए सोड़िए आई लव यू। दुश्मन चले हैं हमें मिटाने।
दुश्मन है, है तो डरना कैसा, मौत से पहले ही ऐसे मरना कैसा। दिल के बागी दीवाने कोई बंदिश ना माने, आए पागल परवाने इश्क में खुद जल जाने। साले जी, अगर मैं वक्त पर बत्ती नहीं बुझाता तो आज हमारी इज्जत की बत्ती गुल हो जाती और वो कमीना पता नहीं हमारा और क्या हाल करता। जनाना की तरह हमरे सामने बात मत करो जीजा। किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, किस्मत कुत्ता की अच्छी थी। एक तो कमिश्नर का घाटा, दूसरा हमरे मुन्ना की सगाई का सवाल था, नहीं तो उसी जगह इतना छोटा छोटा टुकड़ा करता हम उसका कि शेखर वाला गिनते गिनते मर जाता। भैया भैया मुन्ना तो ठीक तो है ना? क्या हुआ भैया? ये देखो। अरे बड़े साले जी, ये तो खून के धब्बे। अरे बड़े साले जी, ये तो हर तरफ नहीं खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कमाल, जाओ। मालिक, ये सब कहाँ है? किसका हरकत है ये? पता नहीं काली बाबू, ये धब्बे हम पहली बार देख रहे हैं। और आंखें बंद करके सोता है, आंखें बंद करके सोता है। बड़े साले जी, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पावर का फेलियर हुआ है। ए, देखो बत्ती को क्या हुआ, जा। कायल की तरह हरकत करता है जीजा। बड़े साले जी, ये तो छोटे साले जी का पुतला है। ना, तो कोनो चिंता मत करना, हम समझ गए सब कुत्ता का हरकत है। लगता है वो कभी ना सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरा नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। अरे बड़े साले जी, ये उसी का है, ये उसी का है, उसी का है। बको, कब तक इस तरह भागते रहोगे काली? अपने जुबान से अपने जुर्म कबूल कर लो, वरना शीशे पे लगे जो कच्चे रंग के निशान देख रहे हो ना तुम, वो खून में बदल जाएंगे और पुतले की जगह तुम्हारे अपने मुन्ना की लाश होगी तुम्हारे घर में। जो भेज रहा दीवारों पे खून जैसा निशान बना देने से या चार छोकरा लोग को साथ में जमा कर लेने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। हम पिछले 15 साल से बिना दीवारों पे खून उड़ाए खून करते चले आ रहे हैं, समझो। तो ठीक है, समझ लो कि आज से जंग शुरू हो गई है। अपने मुन्ना से बहुत प्यार करते हो ना तुम, आज के बाद अपने मुन्ना को बिल्कुल मुन्ने की तरह बचा के रखना, और हाँ उसका इंश्योरेंस भी निकलवा लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। देखो मुन्ना, जब तक हम उसकी चिता इन हाथों से चलाना दें तुम बाहर नहीं निकलोगे, हैं? समझ गए?
मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काली ने बाली को बंगले के अंदर छुपा रखा है। बंगले के बाहर काफी बंदूकधारी पहरा दे रहे हैं। हमारा बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है, इसलिए हमें किसी भी तरह बाली को बंगले से बाहर निकालना होगा। सर एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उसका बंगला खरीद ले तो वो खुद बाखुद सड़क पर आ जाएगा। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। सर क्या बंगला खरीदोगे? तुम अपने आप को क्या समझते हो, टाटा या बाटा की औलाद? नहीं तो सर। अपना आइडिया अपने पास रखो और मेरी सुनो। जी। सर। जब तुम लोग मुझे श्री देवी जी की आवाज निकालकर बेवकूफ बना सकते हो तो बाली क्या है यार? मैं समझ गया सर। गुड, अब तुम लोग मैदान में उतरा और देविया तुम अपने घर जाओगी। घर? हाँ, तुम हमारी जासूस बनकर अपने घर में रहोगी और पुलिस की हर चाल के बारे में हमें बताती रहोगी ताकि हम काली के साथ अपनी चाल बराबर चलते रहे। बनवारी होशियार आ जग्गो। जी जनाब। गोली मारूंगा। अरे जीजा मैं हूँ मैं। अरे साले जी कितनी बार कहा यूं चौंकाया मत करो, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? अरे हद होगी डरने की भी, 3 दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं निकला हूँ, मेरा दम घुटता है इस कैदखाने में, कब तक मुझ पर ये पहरा लगा रहेगा? हाँ कब तक? हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है। उस छोकरे के सर पे खून सवार है, वो हम में से किसी को भी अटका सकता है। जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हेलो। हाँ हाँ बड़े साले जी बोलिए। जी जा। हमारा मुन्ना जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए, उसको कैद में रखने का कोई जरूरत नहीं। अरे बड़े साली जी आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। शीशा हमारा नाम काली है, जवान भी काली है हमरी, हम जो कह देते वो हो जाता है। हमने कहा था ना उसका रंग को ठिकाने लगा देंगे, उस कुत्ते का लाश हमारे सामने पड़ा तड़प रहा है। वाह वाह, अरे वाह वाह बड़े साले जी वाह वाह। अरे ये खुशखबरी सुनाकर आपने तो हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा हाँ ओके ओके। छोटे साले जी, छोटे साले जी, अरे ये ले जाबे छोटे साले जी, चल भाग यहाँ से भाग। अरे छोटे साले जी गुस्सा थूक दो छोटे साले जी और जहाँ जाना चाहो जाओ, अब कोई रोक टोक नहीं है। अरे वो कुत्ता कुत्ते की मौत पर आ गया, बड़े साले जी ने उसका काम तमाम कर दिया। सच? हाँ, अब जश्न करो, खाओ पियो नाचो गाओ मौत तो कर रहे हो करो। ए, ये क्या म्यूजिक लगा दिया? हाँ इस पे हम सब डांस करेंगे क्या? ये सब लोग नहीं, बाली सिर्फ तू डांस करेगा। अच्छा हाँ बाली, डांस का वैसे भी तुझे बहुत शौक है ना, इस संगीत पे जरा कत्थक करके दिखा दे। कत्थक के बच्चे? अबे क्यों खाऊं खा गुस्सा हो रहा है, ये तो तेरा खानदानी पेशा है। सुना है अमीना भाई के कोठे पे तेरी माँ भी मुजरा क्या करती थी? आराम से आते, अब तेरे दोस्त की तरह तेरी जिंदगी भी। नहीं मुन्ना। नहीं भैया नहीं, इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी माँ को गाली दी है। ऐसा का गलत कह दिया इसने, तेरी हरकत देख के तो इसकी बात ठीक ही लगती है। आज तेरी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है मुन्ना, चल नाच के दिखा। नाच मुन्ना। अरे मुबारक हो बड़े साले जी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बड़े साले जी।
प्राण जाए पर वचन न जाए। मगर उसका क्रियाकर्म करने से पहले एक बार उस कुत्ते की शक्ल हमें भी दिखा देते तो पीने का बड़ा मजा आता। इसका क्रियाक्रम मुन्ना कहाँ है? मैं पूछता हूँ मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो घूमने फिरने गया है। आप ही ने तो फोन पर कहा था वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने दिया जाए। जल्दी जाओ और हमरे मुन्ना को ढूंढो। अगर हमरे मुन्ना को कुछ हो गया तो एक एक लाश बिछा देंगे। जाओ जाओ। हमरे मुन्ना का जिंदगी खतरे में है। हे तिवारी, तिवारी। क्या बात है वाली साहब? महादेव, करण वो हरामजादा है, वो मुझे जान से मार डालेगा। तुम लोग जाओ उसे पकड़ो, जाओ। नरेंद्र मत करो वाली साहब, हम ले। नहीं, नहीं, नहीं। ये जगह देखकर कुछ याद आया वाले? ये लोहे की सलाखें, ये हाथ कड़ी और ये पट्टा, कुछ याद आया? याद आ गया ना? याद आया बाली? मैं एक गरीब आदमी और हम गरीब लोग कोई भी कर्ज अपने ऊपर बाकी नहीं रखते। भले चुकाने में थोड़ी देर हो जाए मगर चुकाते जरूर है। और आज मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा। तानिया कड़ी, तानिया कड़ी। हम काली बाबू बोल रहे हो, कुछ पता चला हमरे मुन्ना का? तुम्हारा मुन्ना इस वक्त डोगरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। कौन? वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें। तुमने मेरी मुट्ठी तो खुलवा दी काली, मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई है। सुन हरामजादा, सोच समझ कर गाली दे काली, क्योंकि जितनी ज्यादा गाली गुफ्तार से तो बात करेगा उतनी तकलीफ से मरेगा तेरा भाई। सुन अपने भाई की, ठीक है? साले जी, हमें भी हो क्या रहा है साले जी? वो खा रहा है, वो हमारे मुन्ना को कुत्ते के साथ पीटा है। गाली करो। घाव पर घाव देने का मजा ही कुछ और होता है ना? हाँ? तेरे इस घाव को नासूर बना दूंगा। अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे वाली को कुछ हो गया तो काली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। महादेव, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं महादेव? एक काम कर, काली यहाँ आ जाए उससे पहले भाग यहाँ से। मैं जाऊं? हाँ, वो आ गया तो मैं संभालूंगा, लेकिन तू यहाँ से भाग। संभालोगे महादेव? भाग। मुन्ना, मुन्ना, हम तो का मरने नहीं देंगे मुन्ना, हम तो का मरने नहीं देंगे मुन्ना। ए, ए, हटकारी करो का।
आए रहो तुम लोग, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। क्या है ये सब? सवाल मत कर डॉक्टर, हमारे मुन्ना को देख, गोली लग गया इसको। ये डॉक्टर देख देख, अगर हमारे मुन्ना का कुछ हो गया तो पूरे अस्पताल का लाश गिरा देगा हम। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या? अभी भी तो साथ चल रहा था हमारे मुन्ना का। तू ठीक तरह से देख डॉक्टर, तू ठीक तरह से देख हमारे मुन्ना को। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर, नहीं, अगर अपना जिंदगी बचाना चाहता है तो हमका करण, उसका सब दोस्त, उसका खानदान वाला एक एक आदमी जो उसका साथ दिया, उन सब का खून हमको चाहिए। जा! कहाँ है करण? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो का सब मालूम है हरामजादा। देख, हमरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमरा दुश्मनी उस कुत्ता से है जिसकी वजह से हमारे मुन्ना का जान गया। बोल कहाँ है वो, बोल कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम। मेजर लाठी मेरे लाल, अब इसे बजाने मेजर लाठी आ गया। मेरा नाम है मेजर। हैरान हो रहे होगी, कहाँ गया कहाँ गया। ये कौन है? ये मेरा जुड़वा भाई है। इसको साले को बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था, जब देखो नौटंकी करता रहता। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज मेजर, माय नेम इज मेजर, दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है मेजर। नहीं, इधर गोली चली नहीं, अभी थप्पड़ चलेगा। Oh, my God.
पागल हो जाए ना तो उसे जान से मार डालना ही अच्छा होता है। दिमाग तो ठिकाने पे है जीजा, अचानक ऐसा कहा हो गया जो तुम बोरिया बिस्तरा बांध कर कहां जा रहे हो? अरे अब बोरी को बचाई क्या बड़े साले जी, बाली और इंस्पेक्टर महादेव के बाद बस हम दोनों ही बचे हैं और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। खबरदार जो हमरे सामने पुस्तली का बात किया जना ना कहीं का। नहीं नहीं अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला वरना आपके साथ साथ मैं भी अटक जाऊंगा। अटका बुरा जो काम करता है वो मंजिल से भटकता है, कमीना लाख बांधे बोरियां मगर एक दिन अटकता है। तुम अंदर कैसे आया? दरवाजे से आया और बाहर खड़े तुम्हारे चौकीदार ने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो समझ गया कि मैं तुम्हें एक बहुत ही समझदारी की बात समझाने आया हूँ, जो तुम समझ गए तो बड़े समझदार कहलाओगे। अब आए दोनों ऊंट पहाड़ के नीचे। खुदा पहाड़ निकला चूहा। देख काली, मैं तेरी मोटी अकल में बहुत छोटी सी बात भरने आया हूँ। काय को पंगा ले रहा है यार? ये जो तूने करण की बहन के साथ इस तरह की घटिया हरकत करवाई इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दे वरना तेरा अंजाम जो है। अंजाम का चिंता तू कर और ये मत भूल, तू अगर मेजर है तो हम जुर्म की दुनिया का कर्नल हूँ। कौन मरेगा कौन जिएगा ये फैसला तू नहीं हम करेगा। काली मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा लेकिन करण को निर्दोष साबित करके रहूंगा, इसलिए कि सच्चाई की जंग की खातिर इस मेजर आईएम लाठी ने अपने बरसों पुराने कमिश्नर दोस्त की दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। बड़े साले जी मुझे तो इसकी बातों में बड़ा दम लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने कमिश्नर दोस्त को भी यकीन दिला दे कि मुजरिम करण नहीं हम लोग हैं। वो तो हम हैं, जोकर और कमिश्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब तो एक ही सबूत बचा है, वो इनके हाथ नहीं लगेगा। पहले तो ये बस कहाँ जाएगी? नर्क में। ड्राइवर गाड़ी रुको ड्राइवर। अब तो ये गाड़ी वहीं रुकेगी जहाँ इसे रुकना चाहिए। माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया। माफ कर दो तुझे माफ कर दो। चला कमिश्नर साहब यह है मेरी बेगुनाही का सबूत। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, करण निर्दोष है सर। हाँ
उसे काली ने फंसाया था मेरे महादेव के जरिए। हराम खोर, बदनाम कर दिया तूने आज पुलिस का नाम, बेच दिया इस वर्दी को अपने स्वार्थ के लिए। लाना था तुझे से पुलिस वाले पर। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे। कल सुबह से अदालत में अपने दिए गए बयान का एक एक लफ्ज दोहराना। करण मुझे माफ कर दो बेटे। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब तक अदालत तुम्हें बाइज्जत बरी नहीं कर देती तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। ये लीजिए कमिश्नर साहब, लगा दीजिए हथकड़ी। मुझे और शर्मिंदा मत करो करण। पहले ये कानून तुम पर बहुत ज्यादती कर चुका है, अब इन हाथों में हथकड़ी लगाकर मैं तुम्हें और जलील करना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर। यस सर। इन्हें ले जाओ प्लीज। करण कमर बॉयज लाठी। मुझे माफ नहीं करेगा? मैं जानता हूं यार, मैंने तेरा भी दिल बहुत दुखाया है, लेकिन दोस्ती में कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्लीज लाठी, प्लीज। कल सुबह तेरा स्टूडेंट आजाद होगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, उसकी गारंटी। मिस्टर काली, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कर दिया बड़े साले जी? बहुत हो गया साला। कानून का हाथ काली का गर्दन तक पहुंच गया। एक को भी नहीं छोड़ेगा हम, किसी को भी नहीं छोड़ेगा हम। कमिश्नर साहब का हाल है? कोर्ट में जा रहे हो? अभी ये छोटा छोटा मुजरिम को लेके? असली बड़ा मुजरिम तो हम है, हमको कोर्ट नहीं ले जाइएगा क्या, ताकि तुम्हारा कोर्ट हमको फांसी का सजा दे सके? फिक्र ना कर काली, तेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश तो आज सिर्फ हमरा पूरा होगा। आराम चौथा तो क्या समझा था, हमरे मुन्ना को हमसे छीन के आराम से कोर्ट पहुंच जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। Thank you.
अरे तिवारी, मौत से ज्यादा तेज आज तक कोई भाग सका है जो तू भागने जा रहा था? अटकाना। काली बाबू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। जिंदगी भर हमारा टुकड़ा पर पलता रहा और आज हमको ही काटने को तैयार हो गया। जिंदगी किसका ज्यादा कीमती है, तेरा कि हमारा? बड़े साले जी, बड़े साले जी, ये ज्यादा बातचीत करने का वक्त नहीं है, ये लो। हमरे खिलाफ गवाही देगा हिजड़ा? लाठी, मेजर आईएम लाठी की लाठी, ना टूटेगी ना कटेगी, सिर्फ पड़ेगी। ना 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 ना। काली, बहुत साल बाद मैंने आज हाथों में हथियार उठाया है, इसलिए कि अब जंग शुरू हो गई है। 20 साल बाद मेजर लाठी ग्राउंड में उतरा है। 20 साल पहले 5 सितंबर 1971 को उतरा था और दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। लेकिन तुम लोग तो पहले से छक्के हो, तुम्हारा क्या छूटेगा मुझे नहीं मालूम। किसका छक्का छूटेगा ये हमका अच्छी तरह मालूम है। जंग का बहुत शौक है तुमको, तो ये देखो फौज हमारी, देखो। ये है फौज तुम्हार, हमार फौज नहीं देखा तुम, ये देखो। तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई। लीव इट, आई से लीव इट, टेक इट अवे।
लाठी लाठी